हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्किट एकेडमी एंड दिस इज़ योर कुलदीप सर। सो गाइज, एसिड बेस ऑन सॉल्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर का जो बेसिक था हम लोगों ने स्टडी कर ही लिया है, है ना। ऑलमोस्ट हम लोगों ने इस चैप्टर का जो बेसिक पार्ट था वो हम लोगों ने कर लिया है गाइज। ओके, सो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, और आज हम लोग दो रिएक्शन कवर करेंगे और उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो गाइज, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोग ज़रूर उसको एक बार देखिए जाकर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है। और एवरी सैटरडे संडे आप लोगों को वीडियोस जो हैं केमिस्ट्री के मिलेंगी, और इसके अलावा भी अदर डेज पे मिल सकती हैं, बट सैटरडे संडे को कन्फर्म आप लोगों को वीडियोज़ जो हैं अवेलेबल कराई जाएंगी, ठीक है। फिजिक्स भी हमारी क्लास पे चल रहा है, मैथ्स भी चल रहा है, सो आप लोग बने रहिए और अपने सभी दोस्तों को बताइए किस तरीके से सर्विस यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, ऑफ एसिड एंड बेस। तो सबसे पहले गाइज हम लोग कर लेते हैं फर्स्ट रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन विथ मेटल्स, कि एसिड और बेस जो हैं किस तरीके से मेटल से क्या करते हैं गाइज, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के बुक में एक डायग्राम बना होगा, उस डायग्राम को थोड़ा सा समझते हैं, देखना, ठीक है। चलो, सो एकदम शॉर्ट में बना रहा हूँ, बाकी आप लोग बुक में देख लीजिएगा। हमने ले लिया यहाँ पे एसिड, क्योंकि ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछता है गाइस, ये हमने ले लिया एसिड। सपोज़ हम लोग ने ले लिया यहाँ पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और इस सल्फ्यूरिक एसिड में मान लेते हैं हम लोगों ने डाल दिया यहाँ पर कुछ जिंक के ग्रैनुअल्स, क्या डाल दिया हम लोगों ने, जिंक के ग्रैनुअल्स। तो होता क्या है गाइज, यहाँ से रिलीज़ होती है गैस, देखो मैं डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल हो सब चीज़ें, ठीक है। उस गैस को हम लोग इधर ले जाके कलेक्ट कराते हैं, देखो अगर आप बुक में देखोगे तो यहाँ पे रखा हुआ है सोप सॉल्यूशन, ठीक है, क्या रखा हुआ है इधर, सोप सॉल्यूशन, ताकि यहाँ से जो भी गैस रिलीज़ हो वो क्या फॉर्म करे आपका, ले जाके इधर पे बबल फॉर्म करें। चलो सोप को हम लोग कर लेते हैं इस कलर पे, ये आपका सोप सॉल्यूशन गैस यहाँ पे भरा हुआ है। अब जैसे ही आपके पास गैस रिलीज़ होगी, क्योंकि यहाँ से गैस ऑब्वियसली रिलीज़ होने वाली है आपकी, अब ये जो गैस है जो कि हाइड्रोजन गैस होगी, और ये जो गैस हाइड्रोजन रिलीज़ यहाँ से हो रही है, वो हाइड्रोजन गैस यहाँ से इस तरीके से रिलीज़ होगी, और जब रिलीज़ होगी हाइड्रोजन गैस मतलब बबल फॉर्म होगा, बबल किसका फॉर्म होगा, हाइड्रोजन का। और उस बबल फॉर्मेशन के सामने अगर हम लोग लगा देते हैं गैस कैंडल, मोमबत्ती, ठीक है, ये जिंक है ना, हाँ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक मोमबत्ती, लगा लो भाई मोमबत्ती, ये इस तरीके से हमने लगा दिया यहाँ पे मोमबत्ती। तो जब मोमबत्ती हम लोग यहाँ पे लगाते हैं गैस, तो मोमबत्ती में यहाँ पे क्रिएट होती है साउंड, क्या क्रिएट होती है यहाँ पे साउंड, और कैसी साउंड क्रिएट होती है, तो पॉप साउंड क्रिएट होती है, कैसी साउंड क्रिएट होती है, पॉप साउंड क्रिएट होती है। और यही पॉप साउंड कन्फर्म करता है गैस कि दिस गैस इज़ कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस है गैस, ये आप लोगों की हाइड्रोजन गैस है, ये इसी बात से क्या होता है, कन्फर्म होता है। मतलब क्या हुआ इस ओवरऑल एक्सपेरिमेंट का, इतना मतलब हुआ गैस कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, ध्यान से समझना, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड इट गिव्स सॉल्ट जो कि सॉल्यूशन पे ही रह जाता है प्लस हाइड्रोजन गैस। तो क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन जिंक ग्रैनुअल्स रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको बताना है इन्फ्रेंस में कि देयर विल बी हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड, हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड ऑन दैट केस, एंड दैट गैस इज आइडेंटिफाइड बाय द पॉप साउंड ऑकर्स फ्रॉम कैंडल, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलो एक रिएक्शन भी देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछता है, आप लोगों को लिखना भी रहेगा इसी का रिएक्शन। जैसे हम लोग ने यहाँ पे मेटल में लिया हुआ है जिंक प्लस एसिड हम लोगों ने ले रखा है गाइस H2SO4, तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट, जिंक सल्फेट, और कौन सी गैस रिलीज कर रही है यहाँ पास, हाइड्रोजन। देखो ये अपसाइड जो एरो होता है ये गैस रिलीज को शो करता है, ठीक है। तो मेटल एसिड से रिएक्शन किया तो क्या बनाता है गाइस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। सेम एज आपको ध्यान रखना है कि व्हेन बेस भी जब आपका मेटल से रिएक्शन करता है तब भी वो क्या फॉर्म करता है आपका, सॉल्ट एंड वाटर, सॉरी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस वो भी रिलीज करता है। तो ध्यान रखना बेसिक सॉल्यूशन के साथ जब हम लोग किसी भी मेटल का रिएक्शन कराते हैं तो वो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और साथ में क्या फॉर्म करता है आपका, एक सॉल्ट फॉर्म करता है, जैसे यहाँ पर बनने वाला है सोडियम जिंकेट,
क्या बना लिया, सोडियम जिंकेट। तो हम लोगों ने फर्स्ट रिएक्शन समझ लिया कि व्हेन एसिड और बेस बोथ रिएक्ट विद द मेटल इट ऑलवेज रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। चलो एक सेकेंड रिएक्शन और देखते हैं, रिएक्शन विथ, सेकेंड रिएक्शन में ले रहा हूँ यहाँ पास, रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है, चलो तो अपन सबसे पहले एसिड का ही करा लेते हैं। देखना, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एसिड, एसिड थोड़ा सा खतरा वाला रहता है ना, तो खतरा वाला ले लेते हैं, रेड कलर में लिखते हैं इसको। चलो तो एसिड मैंने ले लिया यहाँ पे गाइज, आपका HCl, दोनों के एसिड ले लेता हूँ मैं, और इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं, एक बार करा देते हैं गाइज आपका कार्बोनेट से। तो यहाँ पे मैं ले ले रहा हूँ एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट, एक बार करा देते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो ले लेता हूँ मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब भी एसिड, ध्यान रखना, एसिड जो है कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब रिएक्शन करता है, सबसे पहले गाइज ये बना लेगा सॉल्ट, दोनों जगह पे सॉल्ट बनेगा। सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है गाइज, वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना, दोनों केस में क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड लास्ट जो है आपका वो वाटर है। अगर आप उसको नहीं भी लिखोगे, प्लस करके सम प्रोडक्ट भी लिखोगे चलेगा, बट याद रख लो क्या दिक्कत है, H2O। अब कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है गाइज, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा अराइज करेगा आपके एग्जाम में कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड को ही याद रखना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्वेश्चन कैसे बोलेगा कि व्हाट विल हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद द सोडियम कार्बोनेट, या फिर बोलेगा कि व्हाट विल हैपन व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज रिएक्ट विद एसिड, या फिर एसिड इज रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपको हमेशा आंसर करना है कि जब भी ऐसा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का गाइज एफरवेसेंस रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है वहाँ पर, बस एफरवेसेंस, एक झाग जैसा आपका रिलीज, जैसे कोक की बोतल ओपन करोगे तो झाग आ जाती है ना ऊपर में, उस तरीके से एफरवेसेंस रिलीज होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, एफरवेसेंस का मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कहीं पे भी एफरवेसेंस दिखे समझ जाना कि क्या है, कौन सा गैस होगा वहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपको मेटल एसिड बोले तो कौन सी गैस रिलीज होती है आपके वहाँ पे, हाइड्रोजन। बट कार्बोनेट बोले तो समझ जाओ कौन सी गैस रिलीज हो रही होगी, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड। अब बेस की बात करें गाइस, तो कोई भी बेस ले लो, अगर वो कार्बोनेट्स हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, कुछ भी हो, तो ये दोनों से गाइस आपका रिएक्शन नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, नो रिएक्शन। तो ध्यान रखना, बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद द कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट ऑलवेज रिएक्ट विद द ओनली एसिड्स, बन जाएगा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे दोनों रिएक्शन। तो मिलते हैं अगली क्लास में गाइज, आज के लिए बस यही दो रिएक्शन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। और एवरी सैटरडे संडे ज़रूर जुड़िएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ गुड नाइट।